भारत में अभी तक 5G को ऑफिशियली रोल आउट तो नहीं किया गया है, लेकिन भारत में स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहकों की पहली पसंद अब 5G के स्मार्टफोन बन चुके हैं। हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो के एक सर्वे में जानकारी सामने आई। सर्वे के मुताबिक 18 से 25 साल के युवाओं के बीच अच्छे कैमरे वाले फीचर्स के साथ 5G डिवाइस पहली पसंद बन गए हैं। अगर बात 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की करें तो उनके लिए फोन में प्रोसेसर और फोन का परफॉर्मेंस मॉडल चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स में से एक होता है। इस सर्वे से ये भी बात निकलकर सामने आती है कि भारत में 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन डिवाइस की मांग बढ़ने के पीछे युवाओं के बीच डिजिटल कंटेंट का लोकप्रिय होना है। डिजिटल कंटेंट के पीछे बढ़ती खपत की वजह से भारतीय ग्राहक अब 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरा और वीडियोग्राफी जैसे फीचर भी अब ज्यादा ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। सर्वे के मुताबिक करीब 70% लोग फोन का इस्तेमाल वीडियो बनाने में ज्यादा करते हैं। वहीं 82% लोग स्मार्टफोन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियोग्राफी का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके साथ ही अब लोगों की प्राथमिकता में बैटरी, फोन का प्रदर्शन, डिस्प्ले और प्रोसेसर भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। बता दें, भारतीय स्मार्टफोन बाजार ने साल 2019 में 15.8 करोड़ स्मार्टफोन के सालाना शिपमेंट के साथ पहली बार अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। उसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट भी बन गया था। काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी चीनी स्मार्टफोन कंपनियों की है। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन मार्केट में 15.8 करोड़ स्मार्टफोन में से तकरीबन 11.4 करोड़ स्मार्टफोन्स चीनी ब्रांड्स के ही हैं। देश में भले ही चीनी सामान का बहिष्कार हो रहा हो, लेकिन चीनी स्मार्टफोन की डिमांड में कोई कमी नहीं देखी गई। साल 2020 की तीसरी तिमाही में फेस्टिवल सीजन के चलते भारत के स्मार्टफोन बाजार में ऑनलाइन सेल की काफी डिमांड रही। पिछली तिमाही की तरह ही इस साल की तीसरी तिमाही में भी टॉप 5 वेंडर की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं देखा गया। टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड के तौर पर Xiaomi एक बार फिर से बाजी मार गया। इसमें Samsung दूसरे नंबर पर रहा और उसके बाद Vivo, Realme और Oppo के नंबर रहे।